नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धुरिया। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से चिंता और बढ़ गई है। इस बीच विभिन्न जगहों पर वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। वहीं स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को कहा कि जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वो फेज 3 में 30,000 वॉलंटियर्स पर अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव डी के क्लिनिकल ट्रायल करने की योजना बना रही है। कंपनी का कहना है कि फेज 1 और 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स में उनकी वैक्सीन कारगर साबित हुई है। जायकोव डी वैक्सीन के फेज 2 की स्टडी में से 1,000 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया है। जायडस कैडिला ने अपने बयान में कहा कि ये वैक्सीन सुरक्षित और कारगर साबित हुई है। ट्रायल्स को इंडिपेंडेंट डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने रिव्यू किया है और इसे सुरक्षा परिणामों के अपडेट के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास सबमिट किया है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा, जायकोव डी ने फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और वैक्सीन सुरक्षित और कारगर साबित हुई। हम फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर भी आश्वस्त हैं और इसके पूरा होने के बाद हम वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। जायडस कैडिला ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के लिए नोवल अप्रोच अपनाई है। वैक्सीन में SARS-CoV-2 प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल है जो ह्यूमन सेल्स को SARS-CoV-2 एंटीजन बनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे इम्यूनिटी पैदा होती है। कंपनी का कहना है कि दृष्टिकोण आसानी से दोहराने योग्य है। इसके लिए सिर्फ बायोसेफ्टी लेवल 1 की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जुलाई में जायडस कैडिला ने फेज 1 और 2 ट्रायल शुरू किए थे। जायकोव डी वैक्सीन को 2 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इस वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूल से लगाया जाएगा। कंपनी का कहना है कि मार्च अप्रैल 2021 तक फेज 3 के अंतिम डाटा आ जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो 2021 के मध्य में जायकोव डी वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।